नमस्कार, इंटरटैप न्यूज में आपका स्वागत है। पुलिस स्मृति दिवस आईजी रणवीर सिंह चौहान ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज इस अवसर पर मैं सभी शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे पुलिस कर्मियों का सर्वोच्च बलिदान हमें लगातार कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग और दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। मैं प्रदेश के सभी शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी संवेदनाशीलता के साथ जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। इन शहीदों के परिवार को किया जा रहा सम्मानित। पुलिस विभाग के शहीद सोनू कुमार, हरविंदर सिंह, प्रशांत कुमार यादव और देवेंद्र सिंह, ये पुलिस कर्मी हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन इन सभी को हमारे यादों में बनाए रखने का बड़ा कदम सीएम योगी ने उठाया है। कानून और कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए शहीद हुए इन पुलिस कर्मियों के परिवार को आज सीएम सम्मानित कर रहे हैं। इस मौके पर रणवीर सिंह चौहान, आईजी अजीत कुमार, कमांडेंट दीपक सिंह चौहान, सहायक कमांडेंट कृष्ण कुमार सिंह, इंस्पेक्टर आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर से। 1859 में पुलिस कर्मियों को किन्हीं सैनिकों ने घात लगा के 10 सैनिकों की हत्या कर दी, इन्हीं की याद में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। DLW में ये पहला अवसर है कि हम लोग शहीद दिवस का आयोजन, परेड का आयोजन किया गया है और हमें हमारा हर रैंक के एक दल सदस्य द्वारा इसको श्रद्धांजलि दी जाती है। मल्टी शहीद में 2020 और 21 में हमारे टोटल RPF 60 जवान, काफ़ी अधिकारी जवान अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हुए शहीद हुए।